मोदी को जो ना हमारे आगे ले आओ, और हम पूछा कहाँ तो हमारा सिलेंडर है, उज्ज्वल योजना कर रहे हो, 3 सिलेंडर फ्री दे रहे, कहाँ है? फिर उसका खामे उसका तो उत्ते का बुला देना है ना उसका एक है। अच्छा। मोदी कर उसका 10 मीटर ऊपर खड़े हैं जमीन चाहिए ना के पता उत्ते को जिला तो जरा भी अच्छा ना लगे वो हाथी। चुनाव हाथी नहीं अच्छा लगता है तो कमल का फूल है, साइकिल है, नल भी है बेटा, हम तो पानी पी। अच्छा इतनी राशन कार्ड भी ना बना हुआ है, राशन भी ना मिलता। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। यूपी चुनाव का दौर चल रहा है और हम आ चुके हैं यूपी के गांव में। लेकिन यूपी की अगर बात कही जाए यहां पे योगी जी भी हैं, जयंत चौधरी भी और अखिलेश यादव भी, वहीं मायावती भी हैं और प्रियंका गांधी भी, सब रेस में तो है इस समय। लेकिन जाट वोट और जाट महिलाएं किधर जा रही है ये जानना दिलचस्प है, अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा। तो हमारे साथ कई जाट महिलाएं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर यूपी चुनाव में जाट महिलाओं का वोट किधर जा रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा 2022 के चुनाव में या फिर नहीं। आपका नाम क्या है? धीरज। अच्छा, क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में आरएलडी आएगी? यहाँ तो आरएलडी आएगी, योगी जी हैं, सिलेंडर दिया है महिलाओं को? दिया, 4 साल पहले फार्म भरे गए थे, आज वो तो सिलेंडर आया ना। अच्छा, सिलेंडर पैसे भी ना आए, 800 रुपए भी गलत हुए, शौचालय मिला कुछ भी ना मिला। अच्छा, इतनी राशन कार्ड भी ना बना हुआ है, राशन भी ना मिलता, क्या मिला है कुछ ना मिलता, देख लो हमारे यहाँ कितनी हो रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी कहती है कि अगर गुंडे मुक्त यूपी बन गया है, रात 12 बजे आप बाहर जाइए, कहीं ना बना कुछ भी, बतेरे जो है रेप केस हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। महंगाई तो कम है ना? महंगाई कहाँ कम है, 45 किलो का गट्टा 800 रुपए का आ रहा है। महंगाई है कहाँ, महंगाई बहुत घनी है यहाँ। अच्छा, बहुत है महंगाई। हाँ, किसानों के लिए कुछ ना कर रहे मोदी। अच्छा, तो आपने कहा आरएलडी, जयंत चौधरी कुछ करेंगे किसानों के लिए? हाँ, सब कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेगा। क्या कह रही है, क्या कह रही है? हमारा तो बहुत है हमारे पास। अच्छा, हम सुनाते हैं, चुनाव है 2022 का, हमारी बहू आई हो, मतलब हमारी ये बहू देगी हमारा चुनाव। अच्छा, आपको क्या लगता है? बेटा, हमें तो जरा भी अच्छा ना लगे वो हाथी। चुनाव हाथी नहीं अच्छा लगता है तो कमल का फूल है, साइकिल है, नल भी है तो। बेटा, हम तो पानी पी में क्या, मैं कह रहा हूँ कहीं भी उससे। अच्छा। पानी तो काट लेंगे यहाँ क्या दरिया। अच्छा, हाँ, सिलेंडर तो गिरेगी हमारे तो वोट। बेटा, सिलेंडर मिला होगा ना? ना हमें ना मिला कुछ भी। अच्छा, ना हमने मोदी के 2000 रुपए लिए, ना हमने चौधरी का कुछ धंधा हम पे ना। अच्छा, हाँ। महंगाई नहीं है लेकिन देश में? अरे महंगाई थोड़ी है, और करो क्या उससे करो, और मोदी जी कह रहे महंगाई नहीं है। हाँ ना, सही है, फिर उसका खामे उसका तो उत्ते का बुला देना है ना उसका एक है। अच्छा, मोदी कर उसका 10 मीटर ऊपर खड़े हैं जमीन चाहिए ना के पता उत्ते को गिरा तो होबे क्या। मोदी जी कह रहे हैं अडानी अंबानी के गोदाम भर रहे हैं, अडानी अंबानी के गोदाम में ले जाएंगे और क्या। लेकिन विकास तो कर रहे हैं, हमारी आजकल तो हाल तो सब है, कुछ भी ना कर रहे जो है, क्या विकास कर रहे हैं बताओ, किसे मिल रहे ना तो यहाँ 2000 रुपए मिल रहे ना सिलेंडर, किसान को कुछ बच रहा? अच्छा, किसान को नहीं बच रहा कुछ भी, 2000 रुपए तो मिल लेना। हाँ, इसमें लोग शराब पी जाए जिनके भी आ रहे हफ्ते में, लुगाइयों को क्या है, 2000 लुगाइयों का तो चूल्हा भी बाजी दिन खाली रह जा। तो सिलेंडर तो दिया ना, सिलेंडर कुछ भी ना दिया, कुछ भी ना दिया, हमें ना दिया, हमने तो ले रखे पहले, यहाँ ना मिला। क्या लगता है 2022 के चुनाव में? हमें तो यू ही अच्छा लग रहा, योगी जी ना हमें ना लग रहा, हमें क्या करा है, हमें ना करा कुछ भी। अच्छा, योगी जी नहीं अच्छे ना, तो कौन अच्छा लगता है? योगी जी नहीं अच्छे लगते हमें तो बेटा, साइकिल अच्छी लगा है। साइकिल अच्छी, और आपको? साइकिल। और आपको? हम तो नल को देंगे। अच्छा, आपको नल अच्छा लग रहा है? कमल का फूल है खिलता है ना, कुछ करया तो ना, हमारा तो घर के, हमारे तो घर के बिल भी नहीं जगा रहे। अच्छा, फूल, लेकिन लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे तो फूल पेट भर देगा। आए वे जो बताओ, हमें राम को भी तो हम ही लाने वाले हैं, सारी कमाई हमारी जा रही है किसान आदमियों की। अच्छा, अभी वो कर दिया, चीनी के कट्टे कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन कहते तो महंगाई नहीं है, महंगाई है, खूब महंगाई है, हमारे ना भरे जा रहे सिलेंडर। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, वो मिल रहा है जो पहले ना मिला था जब हम रोटी ना खावा थे। चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है, ना तेल मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना तेल मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना कुछ मिल रहा, ना चावल मिल रहे, ना चने मिल रहे, हमें ना मिल रहा कुछ भी। अच्छा, हाँ। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है कि हम इतना दे रहे हैं। हाँ, ना हमें नहीं मिला। सुनो, मोदी को जो ना हमारे आगे ले आओ, और हम पूछा कहाँ तो हमारा सिलेंडर है, उज्ज्वल योजना कर रहे हो, 3 सिलेंडर फ्री दे रहे, कहाँ है वे? हमारे 4 साल पहले फॉर्म भरा गया था। अच्छा। आज लो उसने हमें पैसे मिले ना, हमारा वो मिला सिलेंडर मिले। लेकिन अगर बीजेपी, लेकिन अगर आरएलडी की बात की जाए, हाँ? तो आरएलडी तो केवल किसानों की बात करती है ना, महिलाओं की बात कहाँ कर रही है? किसानों की भी कर रही है, किसानों की गैल, हमें महिला कौन से किसानों के, कहीं और से ले आए हैं। योगी जी स्कूटी देंगे अब? हाँ, हम नहीं लेनी उसकी, बिठा दियो, कोई बैठ जाएगा, योगी बैठ जाएगा स्कूटरी पे, हमारा चाहिए। अच्छा, हमें तो पैदल ही चल जाएंगे हम तो। पहले भी तो 14 दिन किसानों का पेमेंट कर रहे हैं, 14वें दिन किसानों का पेमेंट करेंगे, अब लो तो पिछले साल का ना हो अब का ना हो अभी तक। लेकिन कहे तो यूपी में गुंडा मुक्त राज है, आप रात के 12 बजे जाइए घूमने, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों ना, बतेरे हो रहे, बतेरे ढोर खुल रहे हैं, अभी खुले लालपुर, लालपुर से खुल गई अभी। और हमारी तो भैंस दिन में, अच्छा, भैंसों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए का है। अरे महिलाओं के ना कई घर कुंभड़ हो गया लालपुर में, कई घर कुंभड़ अभी, हमारी तो मोटर लेके दिन में ही
और हम नौकरी ये गई है गए और लेकर साफ गए। अच्छा लेकिन लेकिन दावे तो बहुत बीजेपी कर रही बड़े बड़े। नहीं ज्यादा हम ढोरों के पीछे देखो कुछ नहीं कर रहे, योग किसान के लिए कुछ नहीं कर रही, पैर मिनट हमारा नहीं आ रहा। बताओ हम क्या कर सके, बालकों को पढ़ा सका है किसी को? बालकों की पढ़ाई डिजिटल इंडिया बना तो पता नहीं बेबे बनेगा। साल भर में पेमेंट मिला है तो बताओ कहाँ से खाओ मैं? लेकिन कह तो रहे हमने इतने किसानों को पेमेंट दे दिया, कहाँ दे दिया है? कहाँ दे दिया? बालकों की फीस भी नहीं गई और घर के खर्चे भी हैं और बिजली का बिल भी कहाँ से दे रहे हैं आप? बिल कर दिया कही है उनने योगीनाथ धा। अच्छा। अखिलेश ने तो खत्म ही कर दिया। अच्छा। तो भैया हम तो हमारा तो ना हो करना भी कर। आधा किया है तो योगी जी को वोट देंगी ना? नहीं कहाँ करे हमारा ना हो रहा, हमारा उतना जा रहा पूरा बिल, खेत का भी और घर का भी। अच्छा हम ना दे महिलाओं के सम्मान की तो बात कर रहे हैं जो हमें न्यूबिका का मोदी और योगी हमें माला माल कर देंगे बाबा हमसे जुड़ो हाथ, हम तो दे वोट गिरने का ना, हमने उत्तों की गेरी। अच्छा आप यहाँ सबसे बुजुर्ग महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? आप मेरे तो बहुत फासन थे मुझसे, मैं तो इनकी गाय ली हूं, हमारे हाथ में इसकी वोट हम पकड़ के गिरवा के गिर यहाँ बता पा। अच्छा बीजेपी की बात की जाए, सत्ता में है और आपने देखा नहीं कितना कितना अपराध मुक्त हुआ है यूपी? ओ बहन कुछ अपराध मुक्त ना हो रहा, दिन दहाड़ी तो यहाँ खूब चोरी हो रही है, सब काम हो रहा है यहाँ, ना हो रहा कुछ भी मुक्त। अच्छा हाँ। लेकिन बहू बेटियाँ और महिलाएं तो सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित हैं बताओ, आप ऐसा सुरक्षित है कहीं कोई ना खा रहा? अब देखिए ना अमित शाह ने दूरबीन लेकर ढूंढा था, गुंडे दूर दूर तक नहीं दिखे थे कहीं। वहाँ जो है कितना बड़ा कांड होया कहाँ, मैं तो भूल भी जाऊँ। हाँ, लखीमपुर खैर में कितना बड़ा कांड होया, क्या होया वहाँ, कुछ भी ना होया। अच्छा हाँ। लेकिन बेटे की सजा, बेटे की सजा बाप को क्यों मिले? बेटे को सजा मिली है ना? कहीं ना मिली, कहाँ गिरफ्तार होया, अभी तो ऐसे घूम रहा। बेटे की सजा बाप को क्यों मिले? तो क्यों मिली है फिर, हम कौन से कहने गए थे उससे? बीजेपी हमारी लाख तो बढ़िया है ना बिल्कुल भी। अच्छा बीजेपी क्यों इतना खपा क्यों है आप बीजेपी से? साल भर हो गया ना तो पेमेंट दे रहा, बालकों को कहाँ से पाला, अपने पेट को कहाँ से पाला, दुनिया को राशन मिला हमें ना मिला कुछ भी। अच्छा, आप इतनी खपा क्यों है बीजेपी से? ऐसा ही है जब हमें ना मिल रहा कुछ भी ना, हमें 2000 रुपए अगर कुछ देंगे तो बीजेपी को वोट देंगे? हम ना दे, हम बिक रहे हैं, हम कोई बिक रहे हैं। अच्छा इतना खपा क्यों है आप बीजेपी से? अरे मिल जाए तो 14-3 गद्दे लगाऊ मैं तो, दोनों का हमारे तो गैर का कुर्सी पैसा ना उतरो। अब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, पद की तो गरिमा रखी है आप, किसकी उपाध नहीं तो कर दी अटिया, यूपी का यूपी के लोग समझ ना रहे। अच्छा। बाबड़े हो गए। लेकिन जनता जनार्दन होती है यूपी की, बेकूफ है। अच्छा। सारी जनता हमारी जो उसकी गैर लग रही है ना, यू सरकार मुद्दी ना गिरी तो गए जानो किसान तो गए। अच्छा। यू मुद्दी गिर कोई सरकार ये डरेगी? अब क्या उसका सब ढंग दे, झूठे हैं चोर हैं मरा के बिठाओ, ये पहले भी बीमारी चली है, कब तक की बीमारी किसी को नहीं लगे पता, कब तक की बीमारी आ रही है और यूज जगवा रहे हैं। ना मुझे ना मिले, ना मैंने लिए उसका एक अन्ना नहीं खाया, ना नमक उसका खाया और ना उसकी गैल है का लाभ लिया है ना ना, जीरो बैलेंस वाले खाता भी खुल गया, हमें तो सुधरा एक भी रुपया कभी मिले ना। अच्छा जनधन योजना का भी लाभ नहीं, कुछ ना मिला, तो मौका दीजिए अब लाभ मिलेंगे ना। हमने ले रहा, हमने दे लिया बतेरे 10 साल हो गए, भगवान का दिया चाहिए हमारा, भगवान दे हमें तो बस, हमें मालिक का, इनसे हमें कोई लालच नहीं, किसी भी नेता उससे क्या कोई नेता हमें ना लालच, और हमारा आगे बिठा उतना का अभी बीमारी आवे पीछे नाम धर का जा पहले। अच्छा। सरकार इंजेक्शन लगवा रही है, पहले सरकार कहाँ गई थी, सब धंधा हमारा खा रहे हैं और खाई जाओगे किसानों को। अच्छा। बढ़िया बाटू बढ़कर सारे वहाँ गंजायट है उतने। तो आपने कहा कि साइकिल को वोट देंगी तो सपा के कुछ दो अच्छे काम गिनवा दीजिए आप। तो हम तो बेटा ना कोई गेरेंगे वोट, हम ना गेरें कहीं भी, हम कहते हैं इनकी गैल, और हमारे एक भी किसान ना रखा वहाँ सब काट के, हमारे की है गलती। तो देखा आपने, ये था जाट बोझ महिलाओं का, जिनका कहना है कि हम नल को देंगे या फिर साइकिल को देंगे। और आगे की अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म।